सुनो अमर कथा, जो किसी ने नहीं सुनी, स्वयं परम पिता शिव परमात्मा से। क्योंकि आज तक सारी दुनिया यही सुनती आई है कि अमर कथा है। वो अमर कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई थी, वो भी अमरनाथ में सुनाई थी, ठीक है। और उसे पार्वती सुनते सुनते सो गई, सुनते सुनते सो गई। अब उसने तो सुनी नहीं, सुनी उसे एक कबूतर ने, कबूतर सुना नहीं सकता, इसलिए अमर कथा दुनिया में कहीं है ही नहीं। इसलिए दुनिया में कोई अमर कथा नाम की कोई पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ करके कोई अमर हो जाए। फिर उसके साथ उन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि एक वहां अंडा रह गया था, और जिस समय शंकर जी ने वो कथा सुनानी थी, कोई और ना सुन ले, तो उन्होंने समय को बांध दिया था कि कोई भी इसको नहीं सुने। सभी जीव जंतु जितने भी चैतन्य हैं वो सब बहरे हो जाएं, वो सुन ना सके। फिर दूसरी कहानी उसके साथ जोड़ दी, और उसके बाद क्या होता है कि जिस समय उसने इस संसार को बांधा तो वो अंडा था, और उसके बाद वो अंडा तोता बन गया, वो अंडा तोता बन गया क्योंकि वो जीवन में आ चुका था, और उसने सारी कथा सुन ली, उसने सारी कथा सुन ली, और वो तोते को मारने के लिए भागे परंतु नहीं मार सके, और वो सुखदेव बन गया। उसने ये भागवत सुना दी और कहते ये भागवत अमर कथा है। सुखदेव ने जो भागवत सुनाई उन्होंने कहा कि ये अमर कथा है, क्योंकि उसने सुनी थी, उसने आके सुनाई। अब क्यों सुनाई उसने वो अमर कथा? बोले जी वो परीक्षित जो था ना, उसने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया था, उसके बेटे ने श्राप दे दिया, और उसके बेटे ने के सातवें दिन ये जा करके, जिसने भी मेरे बाप के गले में ये डाला है उसे जाकर काटे और मर जाए। तो ये बात परीक्षित के पास पहुंची, परीक्षित सुखदेव के पास गए, सुखदेव ने आकर उसे भागवत सुनाया। 7 दिन भागवत सुनाते रहे, उसके बाद भी सातवें दिन सांप आया, उसने आकर उसे डसा और वो मृत्यु को प्राप्त। तो ये कैसे अमर कथा है? जिसको सुनाया विशेष रूप से वही मर गया, फिर वो अमर कथा कैसे? फिर तोता एक सुखदेव ऋषि बन जाए, ये कहां का कुछ? ऐसी गपोड़ कहानियां लोगों ने बना रखी, परंतु अमर कथा परम पिता परमात्मा आकर सुनाते, परमात्मा आकर बताते, बच्चे एक है ये हार्ड मास का पुतला, एक है इस हार्ड मास के पुतले को चलाने वाली आत्मा। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो चलता फिरता शरीर बनता है, जिसे गीता में भी लिखा गया, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। किसका जन्म और किसकी मृत्यु? शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप आत्मा हैं या शरीर? आत्मा। आप वैसे तो दो चीजें हैं, अभी तो शरीर हो, शरीर भी है और आत्मा भी है, ठीक है कि नहीं? परंतु शरीर है जड़, आत्मा है
अमर, दो शब्द होते हैं मैं और मेरा, मैं और मेरा, ठीक है कि नहीं। मेरा घर, घर मेरा है, मैं घर तो नहीं हूं। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा है, मैं चश्मा नहीं हूं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, सारा दिन मैं जिसको मेरा मेरा कहता हूं वो मेरे हैं, परंतु वो मैं तो नहीं हूं। जिसको भी मैं मेरा कहता हूं वो मैं तो नहीं, ठीक है। मेरा हाथ या मैं हाथ, मेरा हाथ, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं। मेरी आंखें, मैं आंखें नहीं हूं। मेरा मुंह, मैं मुंह नहीं हूं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। इस मुख से बोलने वाली, इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली मैं अमर आत्मा, मैं अमर आत्मा हूं। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती हूं। मैं अमर आत्मा हूं। ये अमर कथा का पहला पाठ परम पिता परमात्मा आकर सुनाते हैं, जो दुनिया में कोई बता नहीं सकता। कितना बड़ा संत, कितना बड़ा ऋषि, कितना बड़ा गुरु, लाखों जिसके भाषण सुनने वाले, आत्मा पर घंटों भाषण करने वाला, ये नहीं जानता कि मैं अमर आत्मा हूं। वो अपने आप को मरने वाला समझता है। वंडरफुल बात है। औरों को क्या समझाएगा? आप परमात्मा आकर समझाते तुम अमर आत्मा हो। यह है अमर कथा का पहला पहला पाठ। अब तक जो आपने देखा उससे और विस्तार से जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पिछले और आगे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें। मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई आपका सुझाव है। आपके सुझाव का और प्रश्न का स्वागत है। विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं।